हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से पूछा ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीनेशन पर क्या है नेशनल प्लान। देश भर में कोरोना के रोज बढ़ते मामले और साथ में दवाओं ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान देते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ये पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है। हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई को लेकर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की योजना बताए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है। केंद्र ने कहा कि सरकार ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, टीकाकरण की प्रक्रिया और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है, कोर्ट को नहीं, इन पर जवाब दे। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने इस दौरान ये भी कहा कि मौजूदा समय में देश के 6 हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कोलकाता और इलाहाबाद हाई कोर्ट शामिल है। चीफ जस्टिस ने इतने हाई कोर्टों में सुनवाई को लेकर कहा, इससे भ्रम पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कल होगी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमएक्स क्यूरी भी नियुक्त किया है। जागरूक टीवी की दिल्ली से खास रिपोर्ट।